नमस्कार, वेलकम टू वीडियो कॉन। जीना इसी का नाम है दोस्तों। इससे पहले कि आज के मेहमान से बातें करें, एक बात मुझे याद आ रही है, आप लोगों को भी याद तो होगी यकीनन, कि एक ज़माने में एक प्रोग्राम आता था जो बहुत पॉपुलर प्रोग्राम था और लोग ठहरते थे कि यार वो प्रोग्राम जब आएगा तो देखें, जिसका नाम होता था चित्रगीत, जिसमें फिल्मों के गाने दिखाए जाते थे और लोग बड़े शौक से देखते थे। और लेकिन उसकी एक ख़ास बात यह थी कि वो उन फिल्मों के गाने होते थे जो दिखा चुके हैं लोग पहले ही, या जो ताज़ा ताज़ा रिलीज़ हुई हैं। उसके बाद एक नया दौर आया जो अब भी जारी है, जिसमें गीत हमको टेलीविज़न पर देखने को मिलते हैं लेकिन वो पुरानी फिल्मों के गीत नहीं होते, और अगर होते हैं तो उनका जो है फॉर्म जो है या उनकी शक्ल जो है बिल्कुल अलग बन चुकी होती है, उसको नए अंदाज में पेश करते हैं, जिसको आमतौर से हम रीमिक्स कहते हैं। जब हम ऐसे गीतों की बात करते हैं और टीवी पर दिखाए जाने वाले ऐसे सॉन्ग पिक्चराइजेशन की बात करते हैं, तो कोई ऐसी बात मुकम्मल नहीं हो सकती, कंप्लीट नहीं हो सकती, जब तक हम केन घोष का नाम न लें। आइए केन से मिलते हैं, बातें करते हैं, बुलाता हूं उनको मैं। आइए केन घोष साहब। सर हीरो लग रहे हो यार आप। प्रैक्टिस कर रहा हूं। कर रहे हैं? इससे पहले कि आपने म्यूजिक वीडियो बनाना शुरू किया और वो शूट करना शुरू किया उनको, उससे पहले आप केन करते क्या थे? जस्ट बिफोर म्यूजिक वीडियोस, उस वक्त आई वाज एन एडिटर, से पहले एन असिस्टेंट कैमरामैन, असिस्टेंट डायरेक्टर, प्रोडक्शन असिस्टेंट, बिफोर दैट आई वाज अ कोरियोग्राफर, बिफोर दैट आई वाज अ डांसर। तो ये सारी चीजें जो आपने की, जिनका भी आपने जिक्र किया, दे हैव ऑल प्रोबेबली कम इन वेरी यूजफुल फॉर दैट। एब्सोल्युटली। एक 3 मिनट के एक पीरियड में पूरी कहानी कह जाना, बहुत इंटरेस्टिंगली कह जाना, तो ये सारी चीजें आपको काम आई होंगी। व्हेन आई वाज ऑफर्ड द फर्स्ट म्यूजिक वीडियो, आई थिंक आई वाज द ओनली डायरेक्टर हु कुड डांस, हु वाज अ कैमरामैन, हु कुड डायरेक्ट एंड ऑल्सो कुड एडिट एंड वाज विलिंग टू डू इट एट द चीपेस्ट प्राइस। सो आई थिंक दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन व्हाई। इस किस्म का वीडियो पिक्चराइजेशन जो है कितने दिन में हो जाता है? देखिए, द फर्स्ट वीडियो आई डिड वाज शॉट इन 1.5 शिफ्ट्स। आई थिंक द लॉन्गेस्ट आई हैव टेकन इज 3 डेज। लेकिन शूटिंग के 3 दिन लगते हैं जी उसके? हाँ हाँ हाँ, प्री प्रोडक्शन का खिचड़ी तो खूब पकती है। यस, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, क्या है म्यूजिक वीडियोज का द मेन इंग्रेडिएंट इज पोस्ट प्रोडक्शन, एडिटिंग। आपकी कुछ बहुत ही गोल्डन पर्सनल मोमेंट्स के, बहुत ही गोल्डन पोजेशंस को मैं बुला लूँ और फिर बात करता हूँ। आइए प्लीज। तो सर आपके नेक्स्ट वीडियो म्यूजिक एल्बम के जो म्यूजिक स्टार हैं जी, उनका परिचय करवा दीजिए। दिस इज माय सन करण, दिस इज माय डॉटर शनाया। करण आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू? I do sports like football, basketball, soccer and all. What else do you do at home? I play with my sister. Yes, sometimes she tell me, "Bhaiya, please play with me catch and cook and all." इतने शरीफ बच्चे हो आप, जो कि आप, मुझे यकीन है कि आप घर में तो जमाने भर के शरारती बच्चे होंगे। अच्छा, do you remember what your dad was like when he was your age? Let me show you. Let's see. अरे वाह। तो जब आप स्कूल में थे या कॉलेज में थे, तो आप क्या सोचते थे कि मैं क्या करने वाला हूँ? That time my father was in the merchant navy. अच्छा। तो I was most happiest if I could join the merchant navy and sail the world and see, you know, all these beautiful places and I have a girlfriend in every port. But then nothing of that sort happened. I became a dancer. Many times I was thrown out of the house. Get out if you want. I have gone out with 5 rupees once. I came back with 500 rupees because I went, danced, did shows and everything, came back. I've slept in cars also. There's a friend of mine, Akbar. I slept in the back seat of his car. खूब मन लगा के काम करोगा, चाहे तकलीफ भी उठानी पड़े, लेकिन आदमी मन लगा के काम करता है।
मन लगा कि केन ने बहुत सारी बातें की हैं और बहुत सारी चीजों में बहुत कामयाबी के साथ नजर आए हैं। वेलकम बैक वीडियो कॉन, जीना इसी का नाम है। मैं केन, हमको बता रहे थे कि इनकी जिंदगी का जो शौक था उस जमाने में जब ये स्कूल और कॉलेज में थे, तो डांस करने का शौक था और म्यूजिक से जुड़े हुए रहने का शौक था। और कभी कभी तो घर वाले, इन्होंने बताया कि इतने खफा हो जाते थे कि वो बता रहे जाओ घर से बाहर, तुम नालायक डांस वांस करते हो, ना छोड़े कहीं के घर के बाहर चले जाओ। तो ये घर से निकल के किसी की गाड़ी में सो जाते थे। लेकिन उनसे भी मिलते हैं जिनकी गाड़ी में ये सोते थे। आइए सर। आप केन को कब से जानते हैं? छोटे छोटे से थे हम लोग। केन तो अभी आप देख रहे हैं, ये केन वॉज ऐसा मैं गोद में उठाता था। ही वॉज उसकी वेस्ट कम से इतनी होगी। एंड देयर टू बी द स्टेप वेयर वो फैन, एक ब्रेक डांसिंग का ग्रुप था हमारा, तो आई यूज्ड टू केन आता था मेरे सर के ऊपर, यू नो नेक कांट टेक सो मच ऑफ वेट, सो ही वाज द ओनली गाय हु आई कुड टेक ऑन माय हेड एंड गो अराउंड एंड अराउंड व्हाइल डांसिंग। ही वाज द कमांडर ऑफ द थिंग, लाइक आई सेड कोरियोग्राफर एंड ऑल दैट। ही यूज्ड टू बी देयर वेरी पंक्चुअल एंड ही यूज्ड टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज प्रॉपर, वेरी हार्ड वर्किंग बॉय। अच्छा, ये आपको एडिटिंग का शौक कैसे हुआ या आप डांस करते करते? ये मिक्सिंग मिक्सिंग म्यूजिक, करेक्ट। I like to press buttons. So, if there are four buttons here, I'll be. ऐसा कैसे हो सकता है? I want to press. कुछ नहीं तो चुपके से भी एक. Then slowly, slowly जो है, Ken, आप editing में चले गए, फिर आपको dance करते थे. एक साहब जिनका उस वक्त भी चर्चा था और अब भी बहुत चर्चा है, आपके दोस्त भी हैं, आपके बारे में कुछ कहना चाहते हैं, यहाँ से देखिए। Oh my gosh, Ken. Firstly, boss, I'm really happy for you. Really, really happy for you. I mean, you deserve all this anyway. Secondly, damn sorry I can't be there. After a long time, somebody is asking me to work and I'm really happy about it. Let me tell everybody about Ken, okay? Ken has this strange ability to catch instruments in a music track. He has that ability, like when you have a track and we would be listening to the music and Ken would go, check that beat out. And there's somewhere in the corner, there would be one little ting, tung. He would catch that. He always has that ability to do that. I knew, you know, the moment you moved on and you went and got serious about life, that this guy will definitely be somewhere big in life. So you're a great guy, Ken, and I really wish you all the world. Thank you. एक और बहुत चमत्कारी शख्सियत है जो आप लोगों की बहुत दोस्त है और आपके बारे में कुछ कह रही है। मतलब ये इनके घर, इनकी तो आप गाड़ी में बस जाते थे, इनके घर में जाके बस जाते थे। Hi Ken, this is your old friend Farah. Remember when you were kicked out of your house by your mother and I had kept you in my house for 4 whole days, which you didn't have a bath even one day. So all I want to tell you is I'm so glad to be on your show. And if you ever get kicked out again, kindly don't come back to my house to stay, please. अच्छा किड, उस ज़माने में लेकिन सिर्फ डांस वांस करने से रोजी रोटी चल जाती थी? नहीं, it was okay for pocket money extra this, but earning a living no way. ये एक साहब जो बहुत खुद बहुत कामयाब हैं और आपके बहुत ज़मानों के दिनों के साथी हैं, आपके बारे में कुछ कह रहे हैं। Remember the first time we met? Do you know where exactly you met me the first time? It was way back, almost about 18-20 years ago, at Takeoff Discotheque. Yes. I used to manage that place. Yeah. And you came in as a dancer, wanted to do shows, and we did so many shows there. Remember what fun? Ken, you were so thin and agile at that point in time, and remember your typical dancing style? Those. Yeah. I still can't get over it. I'm really proud to have you as a friend, and I think you've done considerably well for yourself. Keep being yourself, the sweet Ken. Always love you. फिर आपकी वेस की तो मैं तो ऐसा लगता है इतिहास लिखा है। अच्छा, आपने कोरियोग्राफी खुद कब करना शुरू कर दिया? बोनियम हैड कम इन दोस डेज एंड देयर वाज अ सॉन्ग, कपल ऑफ सॉन्ग्स बीइंग शॉट इन जयपुर। आई वाज राइटर, कोरियोग्राफर, एक्टर, dancer and production assistant. That was the first time I was exposed to shooting, and I saw a very brilliant person in action, Ashok Mehta, the great camera person, and I wanted to work with him. Once in a while I did get a chance to actually work with him,
अब सर तशरीफ रखें, मैं इनको और घेरता हूँ सर, प्लीज। सर आपने जिक्र किया, मैं उनको बुला लेता हूँ, फिर उनसे बात कर लें। आइए सर। आप कैसे हैं सर? आपको वो वाकया याद है जब कैन चुपके चुपके आपके कैमरा के पीछे घूमते थे? वो क्या था कि वी मेकिंग ए म्यूजिक नॉट वीडियो मैगजीन। मेरा ये था कि वो अपनी शूटिंग भी करता था और साथ साथ में कवरेज भी करता था, तो बीच बीच में फिर ये अपने भाई साहब आ जाते थे, कैमरा लेके निकल जाते थे। सो कहने की बात सिर्फ ये है कि वाई ये सक्सेसफुल, द रीज़न बिकॉज नो बडी कैन बी टॉट। सो वो खूबियाँ जो हैं उसे इस मुकाम पे लेके आई। ही इज हार्ड वर्क। वेलकम बैक वीडियो कॉन, जीना इसी का नाम है। इससे पहले कि उनकी जिंदगी के एक हिस्से का जिक्र हो, मैं एक साहब को बुलाना चाहता हूँ, वो आए तो हम मिल के बात करते हैं केन के बारे में। प्लीज तशरीफ लाइए। अरे आदाब अतुल साहब, आइए आइए सर, प्लीज कर। आप केन को पहले कब मिले? एक वीडियो मैगजीन आती थी म्यूजिक पे, जिसका नाम था म्यूजिक ट्रैक्स, उस पे ये काम करते थे। तो उस दौरान इन्होंने एक वीडियो बनाया था नंदू भिंडे का, तो वहाँ केन से मुलाकात हुई थी जब ये हमारे पास आते थे म्यूजिक लेने के लिए। फिर एक साल ये गायब हो गए। इस दौरान हमने बाबा सैगल को साइन किया, उनकी एल्बम ठंडा ठंडा पानी रिकॉर्ड करी। तो मैंने सोचा, मैंने कहा ये बाबा की एल्बम इतनी अच्छी है, इसको कैसे प्रमोट किया जाए, एक वीडियो बनाया जाए। अब ये वीडियो बनाए कौन? तो सोचा एक शख्स था केन घोष। तो मैं सोच ही रहा था, मैंने कहा लेकिन ये केन गया कहाँ? और फ़ोन बजा, केन घोष। तो मैं बाबा सैगल का ट्रैक लेके गया इनके पास, तो सुना इन्होंने, तो बहुत अच्छा, चलो वीडियो बनाते हैं। बजट क्या है? मैंने कहा 10,000 रुपए। तो वहां से लड़ाई शुरू हुई ये वीडियो बजट्स के बारे में। हर वीडियो पे यही लड़ाई होती थी कि 10,000 रुपए का वीडियो क्यों नहीं बन सकता। आप केन को ऐसा बजट दीजिए जिस पे लोग हंसे और बोले वीडियो बनाना नामुमकिन है, ही विल मेक यू अ ग्रेट वीडियो। सर एक मैं एक बहुत ही खालिस हिंदुस्तानी शख्स को बुलाना चाहता हूँ। सर आप प्लीज बैठिए, मैं उनको बुलाता हूँ। आइए प्लीज। गैर मामूली तौर पर जो कामयाब हुआ म्यूजिक वीडियो, बहुत ज्यादा कामयाब। द ब्यूटी ऑफ वर्किंग विद अलीशा इज ऑल हर सॉन्ग्स आर फैंटास्टिक, एंड मोर देन एनीथिंग इज शी हैज द एबिलिटी टू गेट वर्क आउट ऑफ यू। शी विल I'm a slave driver, yes. No. But at the end, when you see your final product, this is one of the best work I've done. And a lot of the credit goes to her. And how is it working with Ken? He's the coolest guy. Very cool-headed, very warm human being. He's always very considerate to everyone on the set. I was so comfortable. You know, I couldn't dance to save my life on Love a Girl. Join the club. I had two left feet, but I managed. And, you know, lots of little things, you know. मैं एक और शख्स को बुलाना चाहता हूँ जो मेरी भी बहुत फेवरेट हैं और उनसे जुड़े हुए लोग भी फेवरेट हैं। हम मिल के बात करते हैं, प्लीज आइए। आदाब सागर जी, प्लीज आप मिस्टर मेनी बटन्स को कब मिले? मेनी बटन्स पहली बार जब मैं इनसे मिली तो एक क्यू फंक कहकर एक गाना था, केन साहब डायरेक्ट कर रहे थे। तो पहली बार वीडियो कर रही हूँ, यू नो इट्स गोइंग टू बी शॉर्ट ऑन मी, और ऐसा लग रहा था कि केन जी कैसे कर पाएंगे कि यू नो समवन हु सो व्हाटएवर लिटिल ओवरवेट। एनीवे इट टर्न्ड आउट रियली रियली वेल। ही आल्सो शोड मी व्हाट एक्सप्रेशंस टू मेक, यू नो ऐसे सिर हिलाओ तो ठीक रहेगा। आपने जो इनको यूं मुंह यूं हिलाना चाहिए, यूं करना चाहिए, वो कर करके क्या क्या कमाल आप दोनों ने किया, पहले हम जरा देखते हैं उसको। हाय केन, आई लव टू कम देयर बट आई एम स्केयर्ड यू गोना टेयर दिस शर्ट टू। देयर इज वन स्टोरी दैट्स वेरी क्लोजली कनेक्टेड विद माय लाइफ इज व्हेन यू हैड मेड मी मिस्टर सवाल, ड्रेस्ड मी अप इन अ रेड ब्लेजिंग रेड जैकेट, रेड pants with a red hat and sent me out on the roads to ask questions to people. Sure. And that's where I met my girlfriend to be and then wife to be and now mother of my child. And I mean, I couldn't have made a worse start than that.
So now she's ready for anything. Have a great show and I'm sorry I couldn't make it. एक और गाने में जो है आपके एक और दोस्त और आपके चाहने वाले जो है एक खंबे के साथ खड़े होके मोहब्बत कर रहे थे बारिश में और बहुत रोने धोने की बातें वो कुछ और भी बातें आपसे करना चाहते हैं मैं उनसे उनकी बात सुनता हूं हाय कैन रॉकस्टार फर्स्ट टाइम वी मेट वाज माय सॉन्ग देखो बारिश हो रही है इट्स रेनिंग ये तेरी मेरी दोस्ती वहां से शुरू हो गई यू मीट मी समवेयर एंड सेड अनु व्हेनेवर आई बिकम अ डायरेक्टर आई विल टेक यू ऑन एज अ कंपोजर दैट रियली वार्म्ड माय हार्ट एंड यू केप्ट योर वर्ड द फर्स्ट फिल्म वाज Ishq Vishq Pyar Vyar. The time when he came back again for Fida and I said, what do you want? Give me something which is very different. You reacted and said, this is it. You know what you want, you know how to get it and there's that tremendous love in your eyes that makes me feel very wanted by you. You're a hugely wonderful person. Thank you. वीडियो कॉन जीना इसी का नाम है कैन घोष से बातें हो रही है मैं एक काम करता हूँ पहले हम यहाँ से सुनते हैं एक मैसेज इनके मुतालिक जो है और वीडियो की दुनिया से जुड़ी हुई एक शख्सियत कामयाब शख्सियत मशहूर शख्सियत उनका मैसेज सुनते हैं फिर बात करते हैं यहाँ There you are, Mr. Ghosh. You being a very influential video director, where at one point your name was on the music channels more than the VJ's names were, or your incredible ability as to whether you're doing just one project or five, six, seven, eight projects. I remember meeting you on so many occasions and I remember saying hi and laughing and talking about great ideas and then you'd talk to the barman and I don't remember a single thing about any of our meetings after that. So I think it's been really nice knowing you. अच्छा एक एक और हसीना को बुलाते प्लीज आइए मिष्टी दो आपकी और सुचित्रा की जान पहचान कब की है बहुत पहले आई थिंक आई फर्स्ट केम टू यू व्हेन आई मेड अ डेमो टेप एंड उसके लिए मैं वीडियो बनाना चाहती थी एंड ही सेड Not happening. Budget too low and all. yeah, right. It's true. And then, of course, then Dole Dole happened. And Ken is the one who's actually taught me to, you know, I used to keep having these arguments with him. And I used to say, Ken, I'm an artist. And he said, bullshit, you have to be a babe, you know. to me, whatever, I mean, he's a friend, he's everything. But to me, Ken will always be a director. In the sense that I trust him so much. His sense of aesthetics, his... you know, his talent so much that whatever, I mean, I'll be on. You know what I mean? It's like... एक और शख्सियत को आपने जो गाने वाने गवाए जो बहुत खुश है और फिर एक मतलब खूबसूरत औरत है ऊपर से भी आपके लिए कुछ बोलना चाहती हूँ You've done some great videos for me. You've played a very important role in my career. And I really thank you from the bottom of my heart for that. It's good to see that you spread your wings and you're flying really high. And you exactly at a spot, a place where you've always wanted to be. You've always wanted to direct a film and I'm so happy it's a great success. I wish you all the very best. Take care of yourself, Ken. Lots of love from Germany. Bye! I'm impressed, so sweet, so sweet. Very sweet. अच्छा आप प्लीज तशरीफ रखें थैंक यू मैं बड़े भारी दिल से और कुछ मतलब अनमनासा होके जो है एक और हसीन औरत को बुलाना चाहता हूँ जो इंसिस्ट करती है कि आपसे बात करेंगी करेंगी वो आइए Hi Anaida, how are you? Hi, how are you? Nice to have you on the show. Pleasure. We were talking about this very calm, cool, collected, gentle, considerate, बहुत ही innocent, मासूम किस्म का. Innocent and मासूम. Of course. बहुत naughty है. Naughty. You could have fooled us. Naughty. Masoom or naughty. Naughty. So that's why the masoom doesn't. It doesn't work. I've worked only once with Anaida. We had great fun in that one video, which we shocked people. It was quite an interesting concept where we said, in the future, women will be in command. It was something which a lot of people couldn't accept. No. How can something like this happen? You were ahead of your times. Yeah. Please, Tashi, okay? Thank you. Please. एक बहुत ही अच्छे और टैलेंटेड मर्द आपके बारे में कुछ कहना चाहते हैं यहाँ से मुझे बहुत खुशी है कि आप इस प्रोग्राम में आए हैं और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मेरी जो
जिंदगी जो है एक नई पॉप इंडस्ट्री आपने शुरू की म्यूजिक इंडस्ट्री के साथ, वो आपकी वजह से शुरू हुई। बोलो तारा रारा आपने बहुत अच्छा शूट किया, फिर डरदी रब रब आपने बहुत ही कमाल किया। आपकी बदौलत पहली बार मैंने कैमरा फेस किया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और एक बात आपको कहना चाहता हूँ, जो अपना काम है उसे दोबारा शुरू कर दीजिए ताकि और अच्छे अच्छे पॉप आर्टिस्ट आप दुनिया को दे सकें। कम लोग शायद जानते हों कि आपने एड फिल्में भी बनाई हैं जी, तो वो कैसे हुआ सर? दे आर नेचुरल एक्सटेंशंस, म्यूजिक वीडियोस, एडवर्टाइजिंग इज ऐड की दुनिया का जिक्र हो और ये साहब उस जिक्र में शामिल ना हो तो जिक्र अधूरा रह जाता है। मैं बुलाता हूँ उस बहुत हंगामा इस शख्सियत को, आइए। I have made an entry into music videos only because of Prahlad Kakkar. Because Prahlad was always quoting too much and I was a guy who was willing to do it for less. He's made a big mark for himself in the kind of work that he's doing. As usually came to me and said, yeah, I need some advice on women and who to cast and what to do and all. We better make this a success so that, you know, at least he doesn't come back and start making ad films at some cut rate, you know, kind of thing. Isko jara dhakel do us taraf. So in the middle, then we were trying to get him to cast a lady who was a little too old for that particular film. So we said, let's change the script. So that she's a teacher. And there's a what do you call it, student. So this boy is now split between not two girls, but between the teacher and his girlfriend. You know, for a long time, he thought seriously about it. Then I said, I realized only Prahlad will be watching. There's still scope for making a sequel to that. इनके दफ्तर में मुझे लगता है ऐसी सब चीजों का चर्चा ज़्यादा होता रहता है। इनके दफ्तर वालों से पूछते हैं प्रहलाद, ये बता रहे हैं हमको। Hi, boss. Do you know guys what Ken means? Yes. K for kind, E for energetic, N for never say die. That's right, boss. We are fed on you. Bye, boss. Have fun. Thank you. Bye. Hi, Ken. It's been almost 6 years I've worked with you and learned a lot from you. One incident I would like to share with, I mean, all of us around is there was this cat which was being beaten up by one of the local guys, and you'd got out of the car and you'd. I mean, you fought with the guy and you took the cat along with you and you gave it to the office peons to take care of the cat. So that is one human aspect of your life which I always remember. All the best for your future ventures. Ad filmmaking, aapki abhi jari hai ya uska samaptam ho chuka hai? He's gone beyond that. Yeah. He's a successful filmmaker ban gaya. Yeah, I mean, bought ad films. Please don't make any ad films, Ken. और कम से कम इनको बजट बताए बजट तो मत। तो आपका एड फिल्म का करियर जो है फिलहाल रुका हुआ है या अभी आपने फिलहाल रुका हुआ? वेलकम बैक, केन घोष से बातें हो रही है, वीडियो कॉन, जीना इसी का नाम है। मैं फिल्म का प्रपोजल जो है आपके पास सबसे पहले कैसे आया? आई हैड गॉन विद 4 स्क्रिप्ट्स बाउंड रेडी, कास्टिंग, प्रपोजल 1 rejected, proposal 2 rejected, proposal 3, proposal 4, all 4 rejected. And Ramesh Tarani has got this habit where he'll stand up, okay, chalo. So while standing up, I gave him a one line of one last script. Jate jate. He said, this is interesting, sit down. So he sat down again. And on the spot, I made a story, which finally turned out to be Ish Krish. Koi aur log hain jo aapko uthne ko nahi kahenge, main unko bulata hu. Aayye please. आइए सर, आइए प्लीज सर, आप इनका परिचय तो करवा दीजिए। दिस इज सलील चतुर्वेदी, ही मेक शर्ट्स इन द डे टाइम, ही इज अ शर्ट मेकर। दिस इज जय शेवग्रमाणी, माय ब्रदर, ही इज द प्रोमो ब्रदर, एंड दिस इज कुकी गुलाटी, and he's my associate director, been both on Ish Krish and Fida. How is it like being with Ken Ghosh? Jahan tak Ken ka dosti ka hisab hai, he's the life.
of the party. He's the same with a 16-year-old. He gets along with a 45-year-old. जो अभी तक हमने सुना है सबके शर्ट वर्ट जो है खतरे में रहते हैं. Correct. Salil is not part of the film business, but we've made a promise that we will be honest with each other about each other's work and say you've messed up over here, you screwed up over here. But ये अपनी फिल्मों के आइडिया है जब पहले आपसे डिस्कस करते हैं. यार ये आप मैं ये बनाना चाहता हूँ कि सजेशन सुनता है और ऑब्वियसली जाहिर है उसने हमारे सबके सजेशन लिए इसके लिए इश्क हिट पिक्चर हुई. तो वो सजेशन लेते रहते हैं इसलिए इश्क चलती रहती है. सर आप लोग प्लीज बैठिए बैठिए मैं इनसे बातें बातें करता हूँ. कुछ लोग जो हैं कुर्सी पे बिठा के सराहते हैं, कुछ लोग कह देते हैं बहुत हुआ यार कुर्सी छोड़ो. हाँ मतलब यूज तो मैं उन साहब को बुलाता हूँ जो कुर्सी कभी आपको बिठाते हैं कभी उठाते हैं, उनको बुलाता हूँ. आइए सर. और सर ऐसे मुलाकात हुई, उन्होंने स्टोरी सुनाई तो जब एक फाइनल स्टोरी जब उन्होंने बताया आपको कि आइडिया सुनाई तो वो बहुत अच्छी लगी हमको. तो हमने उसमें बोला भले आप न्यू स्टार कास्ट लो भले नई स्टार कास्ट लो लेकिन हम पिक्चर जरूर बनाएंगे. एज अ फिल्म मेकर मतलब व्हाट डू यू टू फोरसी फॉर केन घोष? ये फ्यूचर डेफिनेटली है कि ये हर जॉनर में ये स्कोर करेंगे. तो अब ये कुर्सी से उठने वाले नहीं? नहीं नहीं बिल्कुल. बैठ गए सर? बैठ गए बिल्कुल बिल्कुल. आप मतलब हाँ. सोफे पे बैठिए सर. हाँ हम बहुत मोहब्बत से आपको तशरीफ रखने के लिए. मेंटली प्रिपेयर्ड थे आप इश्क विश्क के लिए? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल. लकीली वी टुक टाइम टू स्टार्ट इट बिकॉज द स्क्रिप्ट टुक टाइम, कास्टिंग टुक टाइम. दैट पीरियड आई एम ग्लैड आई हैड दैट पीरियड अबाउट 1.5-2 years जिसमें वेयर आई हैड स्टॉप्ड म्यूजिक वीडियोज एवरीथिंग एंड फोकस्ड ऑन फिल्म्स, देन आई गॉट दैट चांस टू प्रिपेयर. आपको ऐसा क्यों लगा कि इश्क विश्क में जो है आपको बिल्कुल नए लोग लेने हैं? नहीं देखिए देयर सम स्क्रिप्ट्स विच हैव कैन ओनली बी डन बाय स्टार्स एंड देयर सम स्क्रिप्ट्स विच कैन ओनली बी डन बाय न्यूकमर्स एंड लकीली वी स्ट्रक गोल्ड. उनमें से एक को मैं बुलाता हूँ और उनसे बात करते हैं. प्लेयर आइए प्लीज. Hi, how are you? Please, are you? जनाब से आप पहले कब मिली? I think I met you in your old office. जी, correct. और मैं जब इनके ऑफिस में गई थी तो उन्होंने मुझे एक लंबा चौड़ा लिस्ट दिया था डायलॉग्स का जो मुझे बाय हार्ट करके इनके सामने बोलना था. And he did a video test without a camera. Because by then I think he had seen so many auditions that he had become an audition king. Yeah, so he didn't need the camera. His eyes were more than enough. आपने इस बहुत talented लड़की को कहाँ और कब देखा था? There was an ad which he had done, which in fact at that time when I was writing, there was a scene I was writing, which was exactly what the ad was. And it for me it was shocking कि I'm writing it and I'm seeing it on television. And I said that's the girl. It was the Karwa Chauth scene in Ishq Vishk. I think he executes the right amount of confidence in his actors. Karke dikhate hain kya? Ha karke ga ke bhi dikhate hain, you know, like sometimes. Yeah, but yeah, he won't let us go overboard also. At the same, he knows how to control his actors very well. That's very important. Chunki Amrita bhi yahan hain aur aap bhi yahan hain aur main inko bulata hu taki the picture gets complete. Please aaiye. आप कैसे भाई? अमृता का किस्सा तो अमृता ने सुना दिया कि कैसे आप कुछ करवा चौथ टाइप के मूड में थे और सडनली पर्दे पे आप करवा चौथ का ऐड कर रही थी. शाहिद साहब क्या कर रहे थे पर्दे पे जब आप कास्टिंग कर रहे थे? मैं रिजेक्ट हो गया था. आप रिजेक्ट हो गए? जी बिल्कुल. द फर्स्ट टाइम वी हैड ऑडिशंस एंड दिस इज वन very good looking and when we did the test very talented, only one problem is too thin. So I told Shahid finally, listen Shahid, you're very good, you're a good actor, good looker, everything's fine, but you're too thin here. He came back again 6 months later like this. He had pumped up and really worked out and with a great physique he came back. The good thing was Shahid, inko junoon tha ki main ye karke dikhaunga. Aapne Shahid ko pehle kahan dekha tha
जो आपको लगा कि भाई ये दिस इज अनयूजुअली टैलेंटेड बॉय इसको लेना चाहिए? ऑब्वियसली वन हैड सीन द अर्लियर म्यूजिक वीडियोस द एड्स बट देन ही डिसअपीयर्ड वन डिडंट सी मच ऑफ हिम टिल द ऑडिशन एंड दैट इज व्हेन ही आई मीन इट्स ऑब्वियस द टैलेंट इज और फिर आपने फिदा बनाई जिसमें अगेन वी सॉ हिम ऑन स्क्रीन एंड चूंकि फिदा की बात कर रहे हैं तो हम जरा बात को बराबर जमा के करते हैं प्लीज आइए You seen his first film when you said yes to? I saw bits and pieces, of course. I hadn't seen the whole complete film, but heard very good things about it. So I was excited to work with him. Narration dene Cape Town aaye the, and it was there that 4 days ke liye aaye the narration dene, aur pehle 3 days humne kahani nahi suni, bas party ki humne Cape Town mein. Nice budget. What do we expect from Ken Ghosh now? It won't be a campus film and it won't be two love stories which did not have a perfect ending. Okay. That I can guarantee. What it will be, I don't know. I generally have the last word, ऐसा मेरा प्रिविलेज रहता है लेकिन बहुत हसीन लोग अतराफ में हैं केन घोष जो हैं बेचारे बहुत कम बोले हैं जब से दाखिल हुए हैं तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे अलविदा कर लूँ उसके बाद केन जाने उनके दोस्त जाने जो होना है होता रहे मैं जो है अगले हफ्ते मिलने का वादा करके और केन घोष का शुक्रिया अदा करके ऑडियंस से मतलब अलविदा कहता हूँ और आप जो हैं अब आप जिस तरह चाहें केन यू आर वेयरिंग अ शर्ट भाई किसी को कसर वसर पूरी करनी हो तो ये मौका अच्छा आई हैव कम विद प्रोटेक्शन शायद तो बनियान बनियान पहन रहा है चलो टर गो रेप ओके